अच्छा, पिछले वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे इंटेग्रमेंटल सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडोन की बात कर रहे थे, आज हम बात करने वाले हैं स्किन ऑफ फ्रॉग। ठीक है ना, फ्रॉग की स्किन की। लेकिन फ्रॉग की स्किन को समझने से पहले इसके एक डायग्राम से इसको हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये ऊपर ये क्या हो जाएंगे आपकी क्यूटेनियस ग्लैंड्स। क्या हो जाएंगी? क्यूटेनियस ग्लैंड्स हो जाएंगी, क्योंकि स्किन को क्या बनाए रखने की, सॉफ्ट बनाए रखने का और म्यूसलेजेस बनाए रखने का पतला बनाए रखने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना, ये हो जाएंगी आपकी क्यूटेनियस ग्लैंड्स। इसके बेस पर पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है? बेसमेंट ये क्या है यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन जगह यहाँ इस तरफ पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, पिगमेंटेड सेल पाई जाती है जो कि स्किन को कलर प्रोवाइड कराने काम करती है। और कलर क्या होता है फ्रॉक के, हम लोग जब भी बात करते हैं ग्रे कलर या ब्राउन कलर जो होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पिगमेंटेड पिगमेंटेड सेल्स। ठीक है, ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो लेयर है इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नम। स्ट्रेटम कॉर्नियम इसके नीचे पाई जाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जो कि क्या होती है मोल्टिंग के बाद में, जो कि मोल्टिंग के बाद में क्या करती है, नई एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करने का काम करती है, जर्मिनेटम। ठीक है ना, ये आपकी जो लेयर की हमने बात किया है, जिसमें हमने बात की थी, इस लेयर को हमने बोला है एपी डर्मिस। इसके जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, इसके जो नीचे की तरफ लेयर पाई जाती है उसे बोलते हैं हम लोग डर्मिस लेयर, जिसमें क्या होते हैं यहाँ से रूट्स वगैरह निकली हुई होती हैं। क्या पाई जाती है? रूट्स निकली हुई पाई जाती है। कुछ ब्लड हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? वर्टिकल फाइबर, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जो कि करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का। इसके नीचे वापस से पाई जाएंगी पिगमेंटेड सेल्स होंगी। ठीक है ना, इसके नीचे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे लिक्विड स्टेज में क्या पाया जाएगा, लिम्फ लिम्फ साइनस। और उसके नीचे पाई जाती है आपकी मस्कुलर लेयर, और लास्ट लेयर होती है ये आपकी इस स्किन की। ठीक है ना, फ्रॉक की स्किन क्या होती है, लास्ट लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर लेयर। ठीक है, मस्कुलर लेयर। तो इसको देखा जाए तो फ्रॉग में क्या होगी,
त्वचा क्या हो, पतली हो, कोमल हो, ठीक है ना, मेंढक में त्वचा पतली कोमल व क्या होती है, चिकनी पाई जाती है, ठीक है ना। ऊपर का स्तर को हमने बोला एपिडर्मिस, जो लेयर थी एपिडर्मिस जो लेयर है इसको हमने बोला स्ट्रेटम कॉर्नियम का निर्माण करता है, जो कि क्या होता है थोड़ा सा हॉर्नी होता है, ऊपर की तरफ प्रवर्ध के रूप में निकले हुए पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ किस में प्रवर्ध के रूप में निकला हुआ पाया जाता है। तो मेंढक में त्वचा पर एपिडर्मिस में बाह्यतम होता है जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो कि ऊपर ही ऊपर हमने बनाई है, बाह्यतम स्तर या एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, बाह्यतम स्तर श्रृंगीय स्तर क्या होता है, श्रृंगीय स्तर या हॉर्नी लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम का निर्माण करता है, ठीक है ना, इसका निर्माण करता है, जो कि क्या होता है क्रेटनिकट या कैल्शिफाइड होकर क्रेटनिकट सेल से बनता है, इसका निर्माण क्रेटिनी कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना, क्रेटनित कोशिकाओं से क्या है उनका निर्माण होगा। लार्वा अवस्था जो होती है उसमें दांत इसी अवस्था स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही निर्मित होते हैं, लार्वा अवस्था यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टैडपोल, लार्वा अवस्था में श्रृंगीय दांत स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा निर्मित पाए जाते हैं। लार्वा अवस्था की बात की थी, लेकिन जैसे ही लार्वा से क्या बने, वयस्क अवस्था बने, मतलब मोल्टिंग की स्टेज पाई जाए, ठीक है ना, निर्मोचन की अवस्था पाई जाए, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम का लेयर है ये क्या हो जाती है, उतार दिया जाता है, ठीक है ना, उतार दिया जाता है, लेकिन निर्मोचन या मोल्टिंग ठीक है ना, मोल्टिंग हमने बोला है लार्वा चेंज इनटू अडल्ट, ठीक है ना, इसको बोला हमने मोल्टिंग, और जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं इसी को हमने बोला है क्या, मोल्टिंग, ठीक है, लेकिन निर्मोचन के समय यह है स्ट्रेटम कॉर्नियम को उतार दिया जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम को क्या होगा यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अब जो बहुडर्मिस हमने बोला, बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस की हमने बात की थी, ठीक है ना, उसमें क्या होंगी, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाएंगी, साथ ही साथ क्या पाए जाए, पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाएँ, पैरोटिड ग्लैंड्स पाए जाएँ, ऊपरी भाग में स्थित है, जो कि क्या है, ऊपरी भाग जो कि हमने यहाँ इस तरफ बनाया, ठीक है ना, साथ ही त्वचा पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो कि करते हैं बाहर की तरफ कुछ स्त्रवण संश्लेषण का स्त्रवण करते हैं, ठीक है ना। तथा एपिडर्मिस के नीचे हमने बात की किसका निर्माण हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन का, किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण हो, इसमें लिख सकते हैं बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड बहुस्तरीय एपिडर्मिस में श्लेष्म ग्रंथियां
म्यूकस ग्लैंड्स, विष ग्रंथियां, पॉइजन ग्लैंड्स व पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती है तथा त्वचा पर छिद्रों के द्वारा रसायनों का स्त्रावण, सेक्रेशन ऑफ केमिकल्स, स्त्रावण किया जाता है, ठीक है ना। एपिडर्मिस के नीचे हमने देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन पाए जाए, एपिडर्मिस स्तर के नीचे पतली आधारित झिल्ली, ठीक है ना, क्या पाई जाए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन उपस्थित होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, ठीक है। अगर बात की जाए अब डर्मिस लेयर या कोरियोन लेयर की, ठीक है ना, डर्मिस लेयर या कोरियोन लेयर की क्या है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर होती है स्पंजी, इस तरह से स्ट्रेटम स्पाइन इंस पंजियोसम बोला जाता है, जो कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, ठीक है ना। और निचला स्तर होता है वो डेंस होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ठीक है ना। डर्मिस लेयर ऊपर की ओर डर्मिस स्तर ऊपर की ओर स्ट्रेटम स्पंजियोसम द्वारा निर्मित होता है जो कि कठोर होता है तथा नीचे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम लेयर पाई जाती है जो कि सघन संरचना डेंस स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, ठीक है ना। किसका निर्माण करेगी, डेंस स्ट्रक्चर का यहाँ पे निर्माण कर लेगी, ठीक है ना। अभी हमने बात की, क्या बात की, कि जो ऊपर की तरफ क्या पाया जाए, एक्सटर्नल लेयर पाए जाए, ठीक है ना, एपिडर्मिस की, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि क्या होती है, हॉर्नी लेयर होती है, इसी से क्रिएटिन सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ, लार्वा में इसी से ही क्या बनता है, हॉर्नी टीथ या श्रृंगीय दांतों का निर्माण होता है। लेकिन जब भी मोल्टिंग की क्रिया हो, ठीक है ना, मतलब निर्मोचन की क्रिया हो, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो लेयर होती है वो क्या हो जाता है, उतार दिया जाता है, मतलब कुछ चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इस लेयर में ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, इसमें क्या क्या पाई जाए, श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जा सकती है, पॉइजन ग्लैंड्स हो सकती है, साथ ही साथ पैरोटिड ग्रंथियां भी हो सकती है,
ठीक है ना, त्वचा पर कुछ छिद्र पाए जाएंगे जो कि करेंगे कुछ केमिकल्स का सेक्रेशन करेंगे। नीचे की ओर पाई जाती है, फिर नीचे की ओर पाई जाती है इसके एपिडर्मिस के बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या पाई जाए? बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारित झिल्ली से बोलते हैं, आधारित झिल्ली पाई जाती है और ये हो जाता है आपका एपिडर्मिस। उसके नीचे आते हैं डर्मिस रीजन, ठीक है ना, या डर्मिस या कोरियम रीजन, वो जो कि जो है दो लेयर से मिलकर बनी होती है। ऊपरी लेयर जो होती है वो कठोर होती है, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम स्पाइनजोसम। सेकंड जो होती है जो नीचे की तरफ पाई जाती है वो क्या होती है, डेंस या सघन संरचना के रूप में होती है, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बोला जाता है, ठीक है ना। इस भाग में भी क्या होती है, इस भाग में श्लेष ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड्स, श्लेष ग्रंथियां व विष ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाएंगी? श्लेष ग्रंथियां और विष ग्रंथियां पाई जाएंगी, ठीक है ना। अब जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं वो कैसी होती है? फ्लास्क की आकृति की होती है। श्लेष्म ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां या म्यूकस ग्लैंड्स फ्लास्क की आकृति की पाई जाती हैं तथा किसका श्लेष्मा का स्त्रवण करती है तथा श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं किसका श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करती है? श्वसन में सहायता तथा ये ग्रंथियां, क्योंकि मेंढक के अंदर श्वसन किससे होता है? स्किन के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, तीनों तरह से होता है। तो अगर स्किन के द्वारा होगा तो इन ग्रंथियों का क्या पाया जाएगा? रोल पाया जाएगा। तथा ये ग्रंथियां श्वसन में व सुरक्षा में सहायता करती हैं, ठीक है ना। सुरक्षा में क्या करेंगी? सहायता करती हैं। कुछ विष ग्रंथियां क्या करेंगी? कुछ मात्रा में हल्का जहर का स्त्रवण कर सकती है, काले रंग की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज बात करी थी, हमने फ्रॉग के स्किन की बात की। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेप्टाइल के स्किन की। थैंक यू।